सीएम योगी आदित्यनाथ का शासन राज्य उत्तर प्रदेश और बरसात में डूबा देवरिया का सिस्टम। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होने वाला है, पर बरसात ने डीएम की तैयारी और यहाँ की खस्ता व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। जोरों की हुई बारिश ने सच का आईना दिखा दिया। बरसात ने पूरा शहर डुबो दिया। क्या घर, क्या पुलिस कार्यालय और क्या जिला अधिकारी का कार्यालय, पूरी तरह से देवरिया की सारी सड़कें, सारे ऑफिस, सारे दफ्तर, आवास सब डूब चुके हैं। यहाँ तक कि हम बात करते हैं जिला अधिकारी का कार्यालय कलेक्ट्रेट भी डूबा है। तमाम फाइलें भी वहाँ पानी में तैर रही हैं, जो कि आप नज़ारा देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। एसपी का आवास डूबा, पुलिस लाइन डूबा, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि पूरे तरह से पूरी सिस्टम फेल है। लेकिन पूरा जिला प्रशासन जनता की समस्या छोड़ के मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक की तैयारी में लगा है, और उनके आने की तैयारी के लिए सड़कों की रंगाई हो रही है और ऑफिसों के दफ्तरों के फाइल सुधारे जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की देवरिया में समीक्षा बैठक होने की सूचना मिली थी। कहा गया था कि विभाग में फैली अव्यवस्थाओं पर चर्चा होगी, पर उससे पहले इस बरसात ने सारे सबूत ही दे दिए। आज तक इस दशा को मैंने कभी नहीं देखा था। 1952 से इस मकान में मैं रहता हूँ, राघव नगर के पास एरिया है। मेरे घर में मकान में पानी घुस गया है और पूरा सिस्टम डूब चुका है। समझ में नहीं आता है क्या व्यवस्था है, क्या हो रहा है। यहाँ के जिला प्रशासन हुआ या नगर पालिका हुआ, ये क्या कर रही है। और मैं जहाँ भी निकला हूँ, मैं देख रहा हूँ कई बार लोग गिर रहे हैं। कितना खतरा हो गया है, इसकी कल्पना आज तक मैंने नहीं की थी। आम जन परेशान है। कोविड यानी कि कोरोना के बाद लोगों का जीवन थोड़ा पटरी पर आया था। दुकानें खुल रही हैं और आमदनी शुरू हो रही थी, पर इस बरसात ने उस पर भी रोक लगा दी है। पानी बहुत लगा है, हम लोग को बहुत दुख है, बहुत दुख झेल रहा है। पानी में खाने के नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। नुकसान का पानी लग गया है, घर में घुस गया है। आप सहायता करिए, सहायता करने वाला नगर पालिका क्या किया है? भोजन पानी कैसे चल रहा है आपका? कैसे चल रहा है? दुकान से चल रहा है, दुकान जब खुल ही नहीं रहा है तो भोजन करेगा? नगर पालिका से पानी नहीं हटाया जा रहा है, कोई आया नहीं हटाने? नहीं, कोई पूछने भी नहीं आया। अब जिला अधिकारी खुद लोगों के साथ मिलकर सड़क पर पहुंच नालों के आसपास की जगह को साफ करवा रही हैं। अब यहां पर नगर पालिका की व्यवस्था कितनी सक्रिय है, ये यहां की हुई बरसात से पता लगता है। और ये भी पता लगता है कि ये डीएम और अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं। अब इन जिम्मेदार अधिकारियों का ये कर्तव्य है कि वो नगर पालिका से भी सवाल पूछें। इससे भी बड़ी बाढ़ आई थी देवरिया में, लेकिन कभी इस तरह घरों में पानी, सड़कों में, दुकानों पे पानी नहीं आया था। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त नजर आ रहा है और दो दिनों में लोग मुसीबत में झेल रहे हैं। सैकड़ों लोग गिर रहे हैं और सड़कों पे नाबदान के पानी में छपाके मार रहे हैं। ऐसी व्यवस्था के लिए आखिर क्या होगा, कैसी आएगी व्यवस्था, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देवरिया एक मुसीबत की मार इस समय झेल रहा है। देवरिया से विशाल मिश्रा, ग्लोबल भारत टीवी।